मुझे लगता है श्रीपाद की शादी देर से हुई क्योंकि हमारे नसीब में तुम जैसी बहू लिखी थी। हमें तो तुम पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रहा। और जिस पर भरोसा ना हो उसे अपने घर में रखे, इतने बड़े दिल वाले हम नहीं हैं। क्या हुआ साईं? चांद को ढूंढ रहा हूं, खो गया। लेकिन चांद तो खोता नहीं है, चांद तो पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। उसके कहीं और जाने की तो संभावना ही नहीं हो सकती। बादल उसे ढक सकते हैं या अमावस्या हो सकती है, लेकिन चांद रहता तो पृथ्वी के साथ ही है। सब कुछ समझ के भी मायूस क्यों हो राधिका? जब तक मनुष्य सही इरादों और श्रद्धा के साथ राम जी की कक्षा में घूमता रहता है, उसकी जगह कोई छीन नहीं पाता है। संकट और परेशानी के बादल आते हैं, छट जाते हैं। अमावस्या आती है तो पूर्णिमा भी तो आती है। जिसने भी सही रास्ते पर चलने का प्रयास किया है, उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। फिर वो पीर पैगंबर हो या साधारण मनुष्य, लेकिन उनके प्रकाश को, उनकी सत्यता को, उनकी अच्छी मंशा को कोई नहीं मिटा पाया। साधारण मनुष्य में भविष्य देखने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए इस अनिश्चित भविष्य से डर लगता है। क्या करूंगी मैं? शादी हुए अभी दिन ही कितने बीते थे और मुझे घर से निकाल दिया गया। कहां जाऊं मैं? शिरडी अनजान जगह है, आई बाबा के पास वापस लौट नहीं सकती क्योंकि उन्हें सदमा नहीं देना चाहती मैं। वो पहले ही इतने परेशान रहे हैं मेरी शादी की चिंता में। क्या करूंगी मैं साईं? कहां जाऊंगी मैं? राधिका, जब तुम मुझसे मिली थी तो मैंने तुमसे क्या वादा किया था याद है? अपने आप को अकेला मत समझना, जब भी मुझे पुकारोगी अपने पास पाओगे। राम जी का एक घर है राधिका, जो हर समय हर किसी के लिए खुला है। चलो मेरे साथ। हमारा साईं से मिलना बहुत जरूरी है। साईं आते ही होंगे।
लीजिए, साईं आ गए। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। राधिका, सामने भामा का घर है, तुम वहां जाकर हाथ मुंह धो लो। मैंने भामा से कह दिया है कि तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम करें। ठीक है साईं। हम यहाँ पे। अपने साहब से कहिए नाना साहेब चांदोरकर सही समय पर नगर पहुंच जाएंगे। जी बहुत मेहरबानी होगी। नगर के प्लेग निवारण केंद्र की सारी जिम्मेदारी नाना साहब पर ही है, पर वो कल से नगर में ही नहीं है, इसलिए हमारे साहब जरा परेशान हो गए। आपके प्रति नाना साहब जी की श्रद्धा सभी जानते हैं, इसलिए हमने सोचा शायद वो यहाँ मिले। किसी भी बड़े काम को आकार लेने में समय लगता है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है पहला कदम उठाना। आप निश्चिंत होकर जाइए। प्रणाम। चांदोरकर जी का है, और क्या हुआ है उन्हें? केशव, उदार मन वाले सच्चे लोग जब भी मुसीबत में होते हैं देवता की शरण में ही आते हैं। तुम राधिका का ख्याल रखना। काका, साई कहाँ है? शायद किसी की मदद करने गए। इस समय भगवान के काम करने का समय भी अभी निर्धारित हो पाया है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। द्वारका माई क्यों नहीं आया नाना? मैं तो आपके पास ही आ रहा था। अभी पुलिस वालों को देखा मैंने, अगर वो लोग मुझे देख लेते तो आपसे एक बार बात भी नहीं कर पाता। मेरा यहां छुपने का या भागने का कोई इरादा नहीं था। मैं जानता था मेरा बंदा रुपया परिस्थिति का सामना करने से या जिम्मेदारी के निर्वाह से भागता नहीं है। एक आशंका ने मन को घेर लिया है।
आपसे मिलना बहुत जरूरी था। नाना, दरोगा और उसके सहकर्मी लौट चुके हैं, अब हम द्वारका में ही चल के बात कर सकते हैं। आओ। आप क्यों दुखी हो रही हैं उसके लिए? ये आंसू तुम्हारे लिए हैं, उसके लिए नहीं। मेरे लिए? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, खुश हूं कि ऐसी छल करने वाली पत्नी से छुटकारा मिला। आका, राधिका आके मुझसे इतना अच्छे से बात करती थी, हर चीज इतना प्यार से करती थी, उनकी बहुत याद आ रही है। वापस ले आओ ना। चुप कर, दिमाग खा गया है। काकी काकी काकी, नहीं आएगी अब तेरी काकी इस घर में, अब उसके बिना रहना सीख ले। लेकिन वो तो इतनी अच्छी है, तो फिर क्यों हमारा घर छोड़ के चली गई? काका अब जाइए ना, उन्हें वापस लाइए ना। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? हाँ, वो नहीं आएगी, चीड़ी छोड़कर जा रही है तेरी काकी वापस बंबई। चल, कहीं नहीं जाने वाली है वो। क्या मतलब है तुम्हारा? साईं ने उसे द्वारका माई में शरण दी है। देखा बाबा, जिस साईं को आप हमेशा पूछते आ रहे थे, वो साईं हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने वाली उस औरत को अपनी शरण में ले गए। जो साईं सच्चाई के रास्ते पे चलने का प्रवचन देते हैं, उस झूठी औरत का वो समर्थन कर रहे हैं। अब क्या होगा मैं बताता हूँ। वो वहां द्वारका माई में गांव वालों के सामने अपना दुखड़ा रोएगी। लोग हमें ही बुरा समझेंगे क्योंकि साईं उसके साथ है। अच्छा नहीं कर रहे हैं साईं, वो भी आप जैसे इंसान के साथ जो बिना किसी गलती के पहले इतना कुछ झेल चुका है। नगर के हालात में जानता हूं नाना, और ऐसे माहौल में तुम मैदान में उतरकर लोगों की सेवा कर रहे हो, मुझे तुम पर गर्व है। मैं आपके विश्वास के और सम्मान के लायक नहीं हूं। मैं डर गया हूं सही, मैं बहुत ज्यादा डर गया हूं। प्लेग का टीका आ गया है, हमने इसके बारे में विज्ञापन भी दिया है। लोग मरने को तैयार है लेकिन टीका लगवाने को नहीं, ऐसा क्यों? साहब, हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की, मनाने की, पर टीका लगवाना हमारे देश में एक नई चीज है। लोग इससे वाकिफ नहीं है, पर से अनपढ़ हैं। कई तरह के अंधविश्वास है लोगों के मन में, तरह तरह की मिथ्याएं हैं जनसाधारण।
यहाँ पर तो अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग रास्ता बदल लेते हैं। ऐसे में सही जानकारी लोगों तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है साहब। सही कह रहे हो तुम, यू आर राइट, लेकिन लग समझाओ, लोग फिर भी यही चाहते हैं कि पहले कोई और आगे बढ़े, इसलिए जरूरी है लोगों को समझाने के लिए, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए ठीका लगवाने में कोई खतरा नहीं है, हमें एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। वो कैसे? नगर का पहला ठीका तुम खुद लगवाओ। सरकारी अधिकारी हो, भारतीय भी हो, तुम्हें देखकर लोगों को विश्वास होगा कि जब तुम करवा रहे हो तो ठीका लगवाने में कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मुझे यकीन है तुम्हारे देखा देखी लोग आएंगे ठीका लगवाने। मुझे पता है, कायदे से तो मुझे टीका लगवा लेना चाहिए था, पर तू अचानक से डर बैठ गया है मन में। क्योंकि अभी तक टीके की जांच भी पूरी तरह नहीं हुई है और ना ही ये पता है कि टीका लगवाने का क्या असर होगा, उसकी पूरी जानकारी नहीं है। अगर ये पता होता कि टीका लगवाने का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा तो डरने की कोई बात ही नहीं थी, परंतु बिना प्रमाण के कैसे मेरा परिवार इस समय कल्याण में है? अगर मैंने टीका लगवाया और उसका उल्टा असर हुआ तो मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, पहली बार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूं मैं। मुझे माफ कर दीजिए साईं। नाना, इस धूमि कुंड के कोने में देखो क्या नजर आता है। आपके इतने पास जाते हुए मरने का डर नहीं है? डर तो है नाना, लेकिन भूखे जिंदा रहने की तकलीफ उससे कई बड़ी है। जीवन में ऐसे कई पड़ाव आते हैं जब कुछ पाने के लिए हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। आज इन चींटियों के लिए भी ऐसा ही पड़ाव आया है। या तो ये आग में भस्म होने का खतरा उठाएं, या भूखी जिंदा रहें। किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी, तभी बदलाव संभव है।
साहसी की परिभाषा ये नहीं कहती कि डर नहीं सकते। साहसी तो वो है जो अपने डर को जीत ले। एक तरफ सुरक्षित भविष्य की आशा है और दूसरी तरफ पल भर का चैन, लेकिन जीवन भर बीमारी का खतरा। लेकिन कोई अनहोनी हो गई तो? श्रद्धा सबूरी। कल टीका लगवा लेना नाना, राम जी भला करेंगे। ओ सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी ये राम समझाए। राधिका, तुम ये नहीं करोगे। क्यों साईं? मैं यहां रह सकती हूं तो यहां के कामकाज में अपना योगदान क्यों नहीं दे सकती? योगदान तुम जरूर दोगी राधिका, मगर ऐसे नहीं, समाज में फैले अज्ञान के कचरे को साफ करके। मैंने राधिका का त्याग कर दिया था, खुद अब भगवान भी आ जाए तो भी मैं राधिका को कभी नहीं अपनाऊंगा। लेकिन उसके साथ ही आज से मैं, मेरा परिवार आपका भी त्याग कर रहा है। आज से आप हमारे गुरु नहीं हैं।